अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। सुबह के नाश्ते के मुझे ऑर्डर आ चुके हैं और ये एक है चिकन कोफ्ते, चाय, डिस्पोजेबल स्पून, कनौर नूडल और दो सादा रोटी, और इसके साथ ही दूसरा ऑर्डर जो मुझे आया है वो है प्लेन पराठा, सादा रोटी और दो फ्राई अंडे। इधर जल्दी से कावा बना के मैंने चाय रख दी है और साथ ही दूसरी साइड पे मैंने नूडल के लिए पानी रख दिया था और इसे भी कवर कर दूँगी क्योंकि इस टाइम गैस फुल नहीं होती, थोड़ी कम होती है, तो इसलिए मैं कवर करके बना रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी बन जाए और साथ ही उसमें डालूँगी। और इसके बाद फिर रोटियों के साथ ही दूसरे ऑर्डर की तैयारी कर लूंगी। मुझे लगता है दोनों ऑर्डर एक ही भाई के पास है इसलिए मैं फटाफट से पहले की तैयारी करूंगी, उसके साथ फिर दूसरे की शुरू कर दूंगी। मौसम ठंडा हो गया है माशाल्लाह से, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग गई हैं, बारिश काफी ज्यादा, कल रात होती रही सारी रात हमारे तो बारिश होती रही और सुबह उठते ही अच्छी खासी ठंड थी। अभी बच्चों के कपड़े निकाल के लाई थी गर्म, थोड़े से जो मोटे कपड़े नॉर्मल बारीक रखते, तो बाकी की तैयारी भी कर रही थी तो साथ ही मेरा ऑर्डर आ गया। कभी सर मैंने पूछती है कि आप इतनी जल्दी जल्दी काम कैसे कर लेती हैं, तो देखिए मैंने आपको कितनी बार बताया कि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खुद को खुद ही जल्दी जल्दी काम कर लेंगे। बस स्टार्ट पे थोड़ा मुश्किल लगता है, कोई भी काम है जब आप शुरू करेंगे तो तब आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप उसको काफी दिन थोड़े गुजर जाएंगे, मतलब कि कोई हफ्ता 10 दिन गुजर जाएंगे तो आपको आप प्रैक्टिस हो जाएगी, और कोई भी काम है प्रैक्टिस से ही आप उसको फटाफट कर सकते हैं। दूसरा अगर मेरा फ्राई अंडे है साथ और एक प्लेन पराठा है तो उसकी भी मैं पेड़े साथ ही करके रख लूंगी ताकि जब तक ये रोटियां बननी है साथ ही उनके पेड़े जो थोड़े से नरम हो जाएंगे, क्योंकि आटा आजकल अब ठंड है फ्रिज में रखा है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो आप थोड़े से पेड़े करके रख दो तो जल्दी जल्दी रोटी पक जाती है। वैसे तो ये चक्की का आटा है इसकी मुझे टेंशन नहीं होती, इसकी फौरन से रोटी बन जाती है। चले जी चाय हमारी माशाल्लाह से तैयार हो गई है, बस थोड़ा सा और पक जाए, जरा थोड़ी सी मुझको पत्ती कम लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा और ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं चीनी भी ऐड कर दूंगी। कल सुबह सुबह स्टीविया टी आई थी, कल मेरा पहला ऑर्डर जो था वो स्टीविया टी का था, तीन कट्ठी आई थी, आज भी चाय से माशाल्लाह स्टार्ट हुआ है काम। मौसम ठंडा हो गया इसलिए जब भी आप ये काम शुरू करें तो अपने मेन्यू में चाय और अंडे ये जरूर रखें। अभी बस मैंने कॉफी भी ऐड कर लेनी है, हॉट कॉफी भी गर्मियों में आपको पता है सर्दियों में चलती है, गर्मियों में कोल्ड कॉफी, तो कॉफी जो है असल में हमें ऑर्डर जो आते हैं ना ज्यादातर दफ्तरों और दुकानों वगैरह से आते हैं शॉप से, तो कल मैं कमेंट देख रही थी एक बहन ने कमेंट किया था कि ये जो फ्राई अंडा है ये तो बंदा घर में भी बना सकता है, तो सिस्टर देखें जिन्होंने ऑफिस से हमें करना है ना ऑर्डर और दुकानों से करना है तो उनके पास इतना टाइम होगा तो वो बनाएंगे ना, तो जाहिर है जब ऐसे ऑफिस में मोस्टली हमें जो ऑर्डर आते हैं वो आते ही हमें इन्हीं चीज दुकानों से और दफ्तरों से है, घरों से हमें बहुत कम ऑर्डर आते हैं। उसके अलावा अगर घरों से भी हमें कभी कोई ऑर्डर आए तो वहीं से आएंगे जहाँ पे लेडीज नहीं होंगी, जेंट्स ज्यादा होंगे या हॉस्टल्स में रहते हैं वहां से आएंगे। अभी मुझे कल ऑर्डर आया था वो भी इधर मानावाला से आया था, तो हॉस्टल से लड़कों का आया था, उन्होंने कहा जी आपकी हमने बिरयानी खाई हुई थी काफी मजे की होती थी, तो अभी हमने कहा चले आपके सालन भी चेक करें, तो उन्होंने चिकन का सालन, आलू मटर और साथ में कोफ्ते वगैरह मंगवाए, तो अच्छा रिस्पांस दिया, उन्हें भी पसंद आया। उन्होंने कहा था जी हमें चक्की आटे की चाहिए तो मैं चक्की से पिसवाती हूँ आटा, ये दूसरा मतलब कि उन्होंने ये थैले वाले आटे की नहीं मांगी थी, असल जो लफ्ज थे उनके कहने के यही था, मतलब हमें थैले वाले में नहीं चाहिए। अभी चाय होगी तैयार और यहाँ पे मैं साथ ही रख दूंगी अंडे फ्राई होने के लिए। मैं मुदत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुदत से इस आस पर जी रही हूँ, कभी तो सुनेगा
सुनेगा दुआएं वो मेरी, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। राइडर भाई आ चुके हैं, अभी उनको मैं कह के आई हूँ कि अभी दूसरा ऑर्डर तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगना है, तो इस तरह से आप राइडर भाई को वेट करवा सकते हैं क्योंकि अभी मेरा टाइम है। चलो जी, नूडल भी पकने की तैयारी में मराहल में पहुंच चुके हैं और अभी रह गए हमारे सिर्फ अंडे फ्राई करने वाले। नहीं है भरोसा कोई जिंदगी का, उसी को खबर है वो सब जानता है, बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले, बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। चलें जी, नाइट नूडल भी हो गए तैयार, अब इस जहां पे मैं करूंगी अंडे फ्राई। जो लोगों से सुन सुन के नक्शे हैं खेचे, जो लोगों से सुन सुन के नक्शे हैं खेचे, हकीकत में होंगे मनाजिर वो कैसे, कभी जाके देखूं खुद आँखों से अपनी, कभी जाके देखूं खुद आँखों से अपनी, कभी जाके देखूं खुद आँखों से अपनी, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही। अंडे भी तैयार हो गए, फ्राई हो गए हैं, चाय भी तैयार होगी, बस पैक करने लगी। इधर नूडल पैक कर दिए हैं तैयार और लास्ट पे कोफ्ते रह गए, वो भी पैक करती हूँ। रोटियाँ पराठे, दो सादा रोटी थी एक आर्डर की, दो सादा रोटी और नूडल, साथ में चाय और कोफ्ते, एक में ये एक पराठा प्लेन पराठा और साथ सादा रोटी और फ्राई। जब तक मैं ये पैक करती हूँ, आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड बटन दबाकर और बेल आइकन कर साथ में लाजमी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। नूडल के लिए कांटा रखना और ये एक स्पून उन्होंने डिस्पोजिबल एक्स्ट्रा मंगवाया है, अभी मैं सारा कुछ पैक करके फिर ट्रे में रख के खुद ही दे आऊँगी। इस टाइम बच्चे गए होते हैं, ये देखें ये हो गए कोफ्ते, आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब आप अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं मेरा हौसला बढ़ता है और खुशी होती है कि मेरी तरफ देख के और भी बहनें कोशिश कर रही हैं कि घर बैठे इस तरह अपना अर्निंग कर सकें, ऑनलाइन कुकिंग भी कर सकें और इस तरह से, इसलिए मैंने दोनों आपको तरीके बता दिए हैं साथ साथ कि आप ऑनलाइन घर बैठे फूड कैसे सेल कर सकती हैं और फूड पांडा पे भी किस तरह कर सकती है। इससे ये होता है कि आपका खाना जो है एक तो ज़ाया नहीं होता, उधर से ऑर्डर नहीं आएंगे तो ऑनलाइन चले जाएंगे और बाकी के जो है वो घर में बंदा फैमिली को खिला देता है कि बार बार आप अलहदा से ना पकाएं। खाना इस तरह से बनाएं कि ज़ाहिर है बाहर के लिए आप अलहदा ना बनाना पड़े आपको और घर के लिए अलग ना बनाना पड़े, जो है वो फैमिली भी खा ले और डिलीवरी कस्टमर भी खा लें। तो अब इसी दुआ के साथ के जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी ता करे, दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।